बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने पेपर हैकर में। मैं सुरत राज, आज के वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में है उनके लिए लेके आया हूं बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर। यदि आप 2022 में 85% लाना चाहते हैं, मतलब कि आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आपके पेपर में आ रहा है। समझ रहे हैं? यदि किसी भी छात्र के एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ठीक है, आप किसी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन से बोलते हैं, उनकी मैंने पीडीएफ और जो हम आपको जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं इनकी भी पीडीएफ हमने अपनी वेबसाइट पर लिंक दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा जिसका नाम है paperhacker.in, उस पर जाइए और नीचे आपको क्या मिलने वाला है, paperhacker.in पर जाने के बाद में आपको एक बटन मिलेगा बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, उस पर आप टच करेंगे और नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वहां आपको मिल जाएंगे और वहां आपको वीडियोस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी जो YouTube से संबंधित होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना है। ठीक है बेटा, आप देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है, जो बता रहा हूं वही आपको पढ़ के जाना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। यदि आप टॉप करना चाहते हैं तो थोड़ा संघर्ष जरूर करना होगा और पेपर जैसा ही होगा। पेपर से पहले मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे कमेंट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो कि सर मेरा बीकॉम सेकंड का कल है, या इस पेपर का नाम अपना दे दिया करो और ये मेरा कल पेपर है, सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं, तो मैं उसके ऊपर आपके वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब यहां देखिए प्रबंध की अवधारणा कार्य, प्रबंध की अवधारणा कार्य क्या होता है, देखो प्रबंध की अवधारणा मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रबंध की अवधारणा है क्या, किसे कहते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है और प्रबंध है क्या। पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि आपको प्रबंध क्या होता है, तभी तो प्रबंध की हम अवधारणा को पढ़ेंगे, फिर कार्य पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रक्रिया को पढ़ेंगे, यही तो है। ये क्वेश्चन पढ़ लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है और साथ ही साथ उसके बाद ही तो हम पढ़ेंगे प्रबंध की सिद्धांत क्या है, प्रबंध का सिद्धांत पढ़ लेंगे और इसकी सीमाएं पढ़ेंगे, प्रबंध कला पढ़ेंगे, प्रबंध विज्ञान पढ़ेंगे, हो गया। यह क्वेश्चन पूरा एक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक क्वेश्चन है, बस समझना अलग अलग है, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन पर टिक लगा लेना, अपने पास बुक नोट्स गैस पेपर जो भी आपके पास है मार्केट से लेके आओ, उससे पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या फिर हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें शॉर्ट्स में बिल्कुल दे रखे हैं। ठीक है, पूरी वीडियो पूरा सिस्टम शॉर्ट में, यहां देखो कह रहा है प्रबंधकीय भूमिकाओं के बारे में आपको देख लेना है, मैनेजमेंटल जो रूल होते हैं उनके बारे में क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, और नियोजन क्या है, नियोजन 100% आपका पीछे पूछा जाएगा, उसके महत्व, उसके उद्देश्य, और निर्णय लेना, निर्णयन सिद्धांत क्या होता है, निर्णय लेना, निर्णय लेने का सिद्धांत क्या होता है, हम किसी भी चीज पर निर्णय लेते हैं तभी तो कुछ करते हैं, तो वो चीज है निर्णयन किसे कहते हैं, निर्णय सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन कर देना है। चलो उसके बाद में आपको देखना है समष्टि नियोजन क्या होता है, इसकी विशेषताएं, व्यावसायिक संगठन के बारे में पढ़ के जाना है, व्यावसायिक संगठन किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे, और यहां है आपका कार्य नीति को परिभाषित कीजिए उनके प्रकार के बारे में, कार्य नीति किसे कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट बनता है कार्य नीति किसे कहते हैं, ध्यान से देख लेना। ठीक है, कार्य नीति क्या है उसको परिभाषा बताना है, कार्य नीति कहते किसे, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये है केंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, मतलब कि केंद्रीकरण की परिभाषा आपको याद करनी है, यह है संगठन को परिभाषी की, मतलब संगठन की परिभाषा क्या होती है, संगठन का सिद्धांत, संगठन की संरचना के बारे में आपको देख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संदेश वाहक, संदेश वाहक को, सॉरी संदेश वाहन को हम संप्रेषण बोलते हैं, तो संप्रेषण का आशय क्या है, मतलब कि आशय का परिभाषा ही कहलाता है कि संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा क्वेश्चन ये है, नेतृत्व से आशय, नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, मतलब कि नेतृत्व की परिभाषा क्या होती है, अभिप्रणा, अभिप्रणा को प्रणा कह सकते हैं, प्रणा अभिप्रणा, ठीक है, उनके क्या है, क्या है मतलब कि उसकी परिभाषा आपको बतानी है, मतलब आपको उसके बारे में पता होना चाहिए ये क्या होता है। ठीक है, ये है नियंत्रण की परिभाषा, नियंत्रण किसे कहते हैं, उसके महत्व, और यहां बोला गया है प्रबंधकीय नियंत्रण क्या होता है, प्रबंधकीय नियंत्रण को भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद में है प्रबंधकीय, प्रबंध का विस्तार क्या है, घटक के बारे में, प्रबंध का विस्तार घटक किसे कहते हैं ये पढ़ के जाएंगे। संगठक, देखो यहां बोला गया संगठन के जीवन में परिवर्तन एवं वास्तविकता के बारे में बताना है, वास्तविकता क्या होती है उसके बारे में आपको बता देना है। एक संगठन है, एक संगठन है उसका जीवन में परिवर्तन एक वास्तविकता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है, समझ रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाओ बेटा, फटाफट बुक ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं है,
हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं पेपर हैकर डॉट इन वेबसाइट पर जाकर। यहां बोला गया है परिवर्तन के क्या कारण होते हैं, परिवर्तन का कारण क्या होता है ये आपको देखना है। प्रशासन किसे कहते हैं, ठीक है, प्रबंध के कार ऊपर बता चुका हूं, छोड़ो इसको। यह है प्रबंध के प्रमुख लक्षण, ऊपर विशेषता के बारे में बता चुका हूं, छोड़ो इसको। हेनरी फ्याल द्वारा प्रतिपादित कह सकते हैं प्रतिपादित के सिद्धांत का वर्णन करना है, ये सिद्धांत देख लेना एक बार, ये क्वेश्चन का आपके बुक में नोट्स में टिक लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रबंध का प्रबंध प्रथाओं पर चर्चा करना है, भारतीय के जो प्रबंध प्रथा है उस प्रथाओं पर आपको चर्चा करना है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में बता देना है। यहाँ है समालिन नियोजन, देखो समामिलित, देखो समामिलित नियोजन की विशेषताओं के बारे में, और यहाँ है पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण का अर्थ आपको देख लेना है, पढ़ लो बेटा टिक लगा लो। बाकी संगठन देखो मैंने ऊपर बता चुका हूँ संगठन क्या होता है। अब संगठन के दो प्रकार होते हैं औपचारिक अनौपचारिक, मैं ऊपर बता रखा हूँ ये पूरा पढ़ लोगे। विभागीकरण क्या होता है इसको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में अभिप्रेरणा के एक्स और वाई सिद्धांतों का स्पष्ट कीजिए। जब आप ऊपर को अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, प्रेरणा किसे कहते हैं, वहां पढ़ोगे तो एक्स वाई सिद्धांत दोनों वही देखने को मिल जाएंगे, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे ना मेरी बात को। तो ऊपर आप 85% प्लस की यदि आप टारगेट बना रखा है ना, आपने एक टारगेट बनाया है 85% प्राप्त करने का, तो सबसे पहले पेपर हैकर को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करिए इस वीडियो को। जो जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताए हैं, जो टिक लगवाए हैं वही पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर जाना है, डाउनलोड कर लेना है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।